वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स दूसरा यूनिट राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इस संबंध में मार्शल, पीगू और फिशर के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आप प्रश्न आपको घुमा के भी पूछ सकता है, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा समझाइए, मार्शल, पीगू और फिशर की परिभाषाओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न किसी भी तरह आए आपको लिखना इसी तरह है। राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का अर्थशास्त्र में क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में वितरण की किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अवश्य समझना क्या है आवश्यक है। यानी इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय की अध्ययन के लिए पहले राष्ट्रीय आय के जो अवधारणा है उसको समझना आवश्यक होता है ना। इसके अलावा विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की तुलना हेतु राष्ट्रीय आय को आधार बनाया जाता है। यानी जो विभिन्न देश हैं उनके विकास की तुलना करने के लिए किसको आधार बनाया जाता है, राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय का एक सामान्य अर्थ होता है संपूर्ण राष्ट्र द्वारा कमाई की जाने वाली आय। यानी जो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा कमाई की जाती है वह आय क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का एक विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। जो अगर हम सिंपल या साधारण शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय आय से आशय राष्ट्र के द्वारा कमाई जाने वाली आय है। अगर हम इसको परिभाषा में देखें तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको परिभाषा लिखना पड़ेगा। परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, यानी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है ना। जो एक देश में उत्पादित एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उससे राष्ट्रीय आय से आशय होता है ना, राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरे शब्द में देखें, किसी देश में एक वर्ष भर में उत्पादित विभिन्न साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ना। लेकिन राष्ट्रीय आय की परिभाषा में काफ़ी मतभेद रहा है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्री ने काफ़ी मतभेद है। इस संबंध में मार्शल, पीगू और फिशर द्वारा बहुत सी परिभाषाएँ महत्वपूर्ण हैं। इन परिभाषाओं की विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्शल की परिभाषा। मार्शल जी ने क्या बताया कि राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है ना। तो मार्शल के अनुसार हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखेंगे, फिर पीगू की, फिर फिशर की, ठीक है। एक एक करके इनको तीनों को हम परिभाषा देख लेंगे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने राष्ट्रीय आय को इस प्रकार परिभाषित किया है, किसी देश के श्रम एवं पूंजी द्वारा प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध उत्पादन होता है उसके योग को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं ना। यानी किसी देश में, किसी देश के अंदर जो कमाई होती है और पूंजी होती है एवं जो प्रकृति साधन से, यानी जो प्राकृतिक साधन है उसके सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक या अभौतिक वस्तु एवं सेवाओं से जो शुद्ध उत्पादन होता है उसके योग, उसका टोटल योग कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसने कहा है, मार्शल महोदय ने, है ना। फिर इनकी कुछ जो बातें हैं वो बताए हैं, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय देश में होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादित पर आधारित होती है। यानी जो राष्ट्रीय आय है वो देश में होने वाले वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन पर आधारित होती है। फिर अगला है, किसी देश में वर्ष भर में जितनी वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी जो एक वर्ष में उत्पादित होगा जितनी वस्तु का, यानी जो एक वर्ष में जितनी वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन होगा उसका योग ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी इनकी जो शर्त है। फिर तीसरी है, राष्ट्रीय आय की गणना भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाएगा। यानी नहीं कि यह नहीं कि एक वस्तु को शामिल कर लिया गया, एक वस्तु को शामिल नहीं किया गया। इसमें मार्शल जी ने कहा कि भौतिक एवं अभौतिक दोनों वस्तु को, सेवाओं को शामिल किया जाएगा, तभी राष्ट्रीय आय कहलाएगा। फिर अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय आय ईजाद करने के लिए कुल उत्पादन में से टूट फूट तथा मूल्य ह्रास को घटा देना चाहिए। यानी जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय ईजाद करना है तो उसे कुल उत्पादन में से जो टूट फूट है, घिसावट मूल्य है, उसको मूल्य ह्रास को घटा देना चाहिए, तभी शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगी। फिर दूसरा हमारा है पीगू की परिभाषा। अब हम पीगू की परिभाषा देख लेते हैं, पीगू जी ने क्या कहा। पीगू की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से थोड़ी निम्न है। उन्होंने राष्ट्रीय आय को मुद्रा से संबंधित किया है। पीगू द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है,
राष्ट्रीय आय किसी समुदाय की वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, वह भाग जो जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है ना। पेगू ने कहा कि राष्ट्रीय आय समुदाय की वह वास्तविक आय है जो विदेशों से भी प्राप्त आय होती है ना, जिसे कैसे मापा जा सकता है, मुद्रा से मापा जा सकता है। पेगू की परिभाषा का विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय में से केवल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को शामिल किया जाएगा जो जिन्हें मुद्रा से मापा जा सकता है। पेगू ने कहा कि राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है जिसे किससे मापा जा सकता है, मुद्रा से। जो मुद्रा से मापा नहीं जा सकता उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा स्टेप है, राष्ट्रीय आय में देश के नागरिक द्वारा विदेशों में कमाई गई आय को भी शामिल करना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय आय है वो देश के नागरिक द्वारा विदेशों से जो कमाई जाने वाली आय होती है उसको भी शामिल करना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय आय नहीं कहलाएगी। फिर थर्ड स्टेप है, ऐसी वस्तु एवं सेवाओं जिन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं होगी, है ना। जो मुद्रा के मूल्य में नहीं मापा जा सकता वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले, नर्स द्वारा अपने बीमार पति की सेवा, यानी जो नर्स है वो अपने बीमार पति की सेवा करेगी तो उससे थोड़ी ना पैसा लेगी या पैसा नहीं लेगी, तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा, है ना। फिर क्या थर्ड है, फिशर की परिभाषा। अब हम फिशर की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ मार्शल और पेगू ने वार्षिक उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया, वहीं प्रोफेसर फिशर ने वार्षिक उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया। फिशर ने क्या किया कि वह वार्षिक उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषा दी है ना। फिशर के अनुसार देख लेते हैं, राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय के केवल अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा है ना, जो राष्ट्रीय आय लाभांश या आय में अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो सेवा है समावेश होता है। इस प्रकार पियानो अथवा ओवर कोट जिसका निर्माण मेरे लिए इस वर्ष हुआ है, मेरी इस वर्ष की आय का अंश ना होकर पूंजी में वृद्धि मात्र है। केवल इन वस्तुओं के द्वारा मेरे लिए संपन्न की गई सेवाएं इस वर्ष की आय है ना। फिशर महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय लाभांश एवं आय केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवा, जो अंतिम है चाहे उनकी भौतिक अथवा मानवीय पर्यावरण से हुई हो या किसी से हुई हो, जो अंतिम आय है वो समावेश होता है ना, जो अंतिम आय होती है वही समावेश होता है राष्ट्रीय आय में, है ना। इस वर्ष का आय अंश ना होकर एक पूंजी मात्र है। केवल इन वस्तुओं के द्वारा मेरे द्वारा संपन्न की गई सेवा इस वर्ष की आय होती है, यानी राष्ट्रीय आय होती है। फिशर की परिभाषा की जो शर्तें हैं निम्न बातें हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके उत्पादन से नहीं बल्कि उसके उपभोग के निश्चित होती है ना, जो उपभोग होती है उसकी निश्चित होती है। यदि किसी वस्तु का उपभोग लंबी अवधि तक चलने वाला हो तो वह वर्ष भर में जितना उपभोग हुआ उतना मूल्य ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, है ना। यानी जो जितना लंबी अवधि में चलने वाला वर्ष भर में जितना उपभोग हुआ होगा उतना ही मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।